ये नज़्म थी कि हुजूर मैं इस स्याह चादर का क्या करूंगी, ये आप क्यों मुझको बख्शते हैं बसद इनायत, न सोग में हूँ केस को ओढ़ूं, गमो अलम खल्क को दिखाऊं, न रोग हूँ मैं केस की तारीकियों में खिफत से डूब जाऊं, न मैं गुनहगार हूँ न मुजरिम, के इस स्याही की मोहर अपनी जबी पर हर हाल में सजाऊं, अगर न गुस्ताख मुझको समझे, अगर मैं जहाँ की अमान पाऊं, तो दस्त बस्ता करूं गुजारिश के बंदा परवर हुजूर के हुजरे मुअत्तर में एक लाशा पड़ा हुआ है, न जाने कब का गला सड़ा है, ये आपसे रहम चाहता है, हुजूर इतना करम तो कीजिए, स्याह चादर मुझे न दीजिए, स्याह चादर से अपने उजरे की बेकफन लाश ढांप दी। ये कौन है जानते तो होंगे, हुजूर पहचानते तो होंगे, ये लौंडियां हैं कि यरगमाली हलाल शब भर रही, दमे सुबो दर बदर हैं। देखिए हर जगह हर दौर में हर मजहब को फॉलो करने वालों ने जब जंग होती थी तो औरतों को और भेड़ बकरियों को और दूसरी चीजों को बांटते थे कि नहीं बांटते थे, पकड़ लेते थे बांटते थे कि यरगमाली हलाल शब, और हलाल होती थी और मुसलमानों में भी हलाल रखी गई है, यरगमाली हलाल शब भर रही, दमे सुबह दर बदर है, ये बांदियां हैं हुजूर के नुत्फ़े मुबारक के निस्फ विरसे से मोतबर हैं, ये बीबियां हैं कि ज़ौजगी का खिराज देने कतार अंदर कतार बारी के मुंतजर हैं, ये बच्चियां हैं कि जिनके सर पर फिरा जो हजरत का दस्त शफ़क़त, तो कम सिने के लहू से रीशे सुपेद रंगीन हो गई है, हुजूर के हुजरे मुअत्तर में जिंदगी खून रो गई है, पड़ा हुआ है जहाँ ये लाशा, तवील सदियों से कत्ल इंसानियत का ये खून चका तमाशा, अब इस तमाशे को खत्म कीजिए हुजूर, अब इसको ढांप दीजिए, स्याह चादर तो बन चुकी है मेरी नहीं आपकी जरूरत, किस जमी पर वजूद मेरा नहीं फकत एक निशान शहवत, हयात की शाहराह पर जगमगा रही है मेरी जहानत, जमी के रुख पर जो है पसीना तो झील मिलाती है मेरी मेहनत, ये चार दीवारियां ये चादर गली सड़ी लाश को मुबारक, खुली फजाओं में बादबां खोल कर बढ़ेगा मेरा सफीना, मैं आदम नौ की हम सफर हूँ कि जिसने जीती मेरी भरोसा भरी रिफाकत। बहुत से आप यहाँ पर दिल्ली शिफ्ट हो गई, तो वो क्या आपके कलम की कार्रवाइयाँ थी कि जिनके वजह से जनरल साहब ने आपको वतन से बेवतन किया? देखिए मैं एक रिसाला निकालती थी जिसका नाम था आवाज जी, और मैं उसकी एडिटर भी थी और उसकी पब्लिशर भी थी, तो उस रिसाले के ऊपर जो केसेस बन रहे थे और जिनके लिए मुझसे कहलवाया गया था, क्योंकि वो फौजी जमाना था कि आपको जो मतलब जिसकी तो सजा फांसी थी, तो मुझसे ये जो 124 अलिफ एक पुरानी ब्रिटिश शक है और भगत सिंह पर इसी के तहत मुकदमा चला था, तो ये कहलवाया था मुझसे कि तुम्हें काबू में रखने के लिए ये मुकदमा तुम्हारे ऊपर दायर किया जा रहा है और कोई सचमुच हम फांसी नहीं देंगे मगर तुम्हें कब, तो हमने कहा कि भाई हम काबू में आपके किस तरह से आए और क्यों आए, बहुत से लोग निकल रहे थे तो हम भी निकल आए थे, तो उसके अंदर जाहिर है कि हम वही लिखते थे, बल्कि दिलचस्प चीज ये है कि उस जमाने में इंडिया टुडे का इशू एक आया हुआ था, तो उसका एक मजमून था जो कि इनके बारे में था, ज़ियाउल हक़ के बारे में, तो उसका मैंने उर्दू तर्जमा छापा था। अच्छा। अब उनको तो कोई बहाना चाहिए था,
तो उन्होंने उसको लेकर और सजेशन बना दिया। तो ये सारी पुरानी शक्लें अब बदलनी चाहिए। ये क्या मतलब गद्दारी, यानी कि मुंह से अल्फाज निकालो तो गद्दारी, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। ये जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी अपनी रियाया को काबू में रखने के लिए, तो वही हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आज भी। आज तो हमारे थिंकिंग, हमारी जो सोच है, हमारी फिक्र है, उसको कुछ बदलना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप समझती हैं कि जैसे आप तशरीफ लाती हैं, यहाँ से लोग जाते हैं, तो आवाम के तौर पे जो रابطے हो रहे हैं उससे दोनों मुल्कों की दोस्ती बनेगी, बढ़ेगी उन हालात में, और इन जो पेचीदा हालात हैं उनमें कुछ फर्क आएगा? देखिए भाई, दोस्ती तो बिल्कुल बढ़ेगी जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तो सबसे बढ़कर ये कि वो जो एक इमेज हमारा मीडिया बना देता है, मीडिया क्या इमेज बनाता है, वो जो स्टेट चाहता है, यानी जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, जो चाहती है कि ये इमेज बनाया जाए दूसरे का, तो मीडिया हमारा अभी तक ऐसे ही है, चाहे वो लाख फ्री अपने आप को कह रहा हो, लेकिन वो ही बनाता है। तो अगर पाकिस्तान के अंदर तमाम इंडियंस का यही है कि बड़े खौफनाक हैं, है ना, और एक तो इंडियन के लिए सोचा जाता है कि इंडियन का मतलब यकीनन वो नॉन मुस्लिम ही होगा और हिंदू है, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों मुसलमान भी रहते हैं, इस बात का कोई जिक्र नहीं किया जाता, और बिल्कुल कोशिश की जाती है कि जिसको जितना भुलाया जा सके उतना भुला दो, ठीक है ना, क्योंकि टेक्निकली तो बिल्कुल आप लोग एक हैं, आपको भी उसी तरह वीजा और पासपोर्ट की जरूरत है पाकिस्तान जाने के लिए, चाहे आप मुसलमान हो जैसे कि किसी हिंदू को, तो लिहाजा वो उनका मुसलमान होने को मिटा देना चाहते हैं किस तरह, और वो बड़े बुरे लोग होते हैं। यहाँ का भी मीडिया जो है वो इसी तरीके से करता रहा है कि पाकिस्तान में कौन रहते हैं। अब आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान में खुसूसन सिंध में जहाँ की मैं हूँ, तो बहुत हिंदू भी रहते हैं वहां पर, यानी आपको पता है हमारे एक जस्टिस भगवान दास जी, वो भी हिंदू थे, मेरे अपने डेंटिस्ट जो है वो भी हिंदू है और इसी तरीके से यानी बहुत सारे लोग हैं जो वहां रहते हैं, तो हर पाकिस्तानी एक जैसे, और फिर पाकिस्तान में तरह तरह के लोग, पारसी हैं, ये सब भी हैं, मगर उनका इमेज यहाँ पर जैसे एस्टेब्लिशमेंट चाहती है वो बनाती, तो वो एक खौफनाक सा इमेज होता है, सबके सब जो है ना बुरे से लोग हैं, उनके प्यासे हैं और जंगली हैं, ऐसा नहीं है। जब लोग आपस में मिलते हैं तो एक तो वो इमेज खत्म होता है, और अब उनका एक दूसरे को जानना, जानने को रोकना बड़ा मुश्किल इसलिए हो गया है कि सोशल मीडिया अब मौजूद है और वो इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से रابطے करते रहते हैं। आप तो यहाँ आती जाती रहती हैं, आपने क्या पाया? मुख्तलिफ दो मुख्तलिफ सोसाइटीज हैं, तो उनमें रहते हुए फर्क तो आ ही जाता है, ठीक है ना जी, तो लेकिन ये कि ये ज्यादा बेहतर है ये बात ये है कि इसलिए क्योंकि एक खुले माहौल में ज्यादा अरसे तक रहे हैं लोग, तो थोड़ा सा आम हालात में ज्यादा बेहतर है, लेकिन जो हालात बिगड़े तब तो दोनों एक जैसे ही हो जाते हैं, बल्कि यहाँ ज्यादा टकराव बन जाता है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं तरह तरह के जी, और वहां पर जैसे सिंध के अंदर, मैं आपको ये भी बात बताऊं कि हमारे सिंध में इन 65 वर्षों में किसी किस्म का कोई कम्युनल राइट हुआ ही नहीं, और 47 में भी नहीं हुआ था, और तमाम सिंधी वहां पर बिल्कुल आराम से यहाँ पर आए और बहुत से लोग वहां रह गए हैं। तो देखिए ना, हर जगह के हालात मुख्तलिफ रहे हैं, कोई भी कम्युनल राइट, कम्युनल टकराव, फिरकावारी, सांप्रदायिक खून खराबा सिंध में कभी नहीं हुआ। लेकिन जो यहाँ से गए, जिन्हें महाजिर कहा गया, उनका मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कत्लेआम हुआ। देखिए इस तरीके से, यानी कहाँ कत्लेआम हुआ? कराची में जो आपके अल्ताफ साहब हैं उनका ऐसे ही बयान देखिए ना, वहां पर पठान आए हुए थे और पठानों का महाजिरों का टकराव हुआ, उसके बाद फिर एक टकराव उनका एक आपस का भी था जो उनका दूसरा एक फैक्शन बन गया था हकीकी के नाम से, तो उन लोगों का भी टकराव था,
एक लसानी बुनियाद पर टकराव था, जबकि उनकी सिंधी जबान खत्म करने की कोशिश की गई, जो बड़ी नादानी की बात थी। पता नहीं किस तरंग में यहाँ फैसला कर लिया गया था कि पूरे हिंदुस्तान की जबान हिंदी होगी और पूरे पाकिस्तान की जबान पाकिस्तान उर्दू और कुछ नहीं होगा। तो दिस वॉज रॉन्ग। तो इस पर तो यहाँ पर भी एक जमाने में हुआ था, अगर आपको याद हो, साउथ में बहुत है ना, साउथ में। तो क्यों भाई, किस लिए? उनकी अपनी जबान है। बांग्लादेश बन ही गया इस बुनियाद पर, जबान की बुनियाद पर। उनसे कहा कि बंगाली खत्म कर दो और सिर्फ उर्दू बोलो, तो ये तो गलत चीज है ना। उर्दू मेरी जबान है, मैं प्यार करती हूँ उससे। तो जिसकी जबान बंगाली है वो अपनी जबान से प्यार करती। तो सिंधियों की जबान सिंधी है। तो ये जब कहा गया उनसे कि अब सिंधी खत्म, तब फिर वो उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी तो ऐसी कितनी कैसे सिंधी खत्म करेंगे। इस सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी जबानें हैं और जखीरा है, वो हमारे मुल्क का जखीरा है। और जबानें हिंदी उर्दू से ज्यादा पुरानी और ज्यादा रिच जबानें हैं यहाँ दूसरी। बिल्कुल, ये बात मानकर चलना चाहिए। हम लोग जो है नॉर्थ इंडिया के, हम लोग तो अपना दिमाग ही आसमान पर चढ़ाए रखते हैं, दूसरे को कुछ नहीं समझते हैं और इसकी बुनियाद पर जुद खाते हैं हर जगह। ये बात चलिए, तो फिर ये इख्तिताम पे पहुंचती है आज की ये मुलाकात, ये गुफ्तगू। और इस शेर के साथ मैं इस बात को अपनी खत्म करना चाहूंगी कि हमारी सोच से आगे बढ़ गई दुनिया, अब अपनी सोच बदलना बहुत जरूरी है। जो बर्फ जमी है हमारे रिश्तों पर, उस बर्फ का पिघलना बहुत जरूरी है। तो इसी उम्मीद के साथ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हमेशा बहुत बेहतर ताल्लुकात रहें, वो किसी भी जमरे में आए, आप तशरीफ लाएं, हम आपके यहाँ जाएं और ये मोहब्बतों का सिलसिला यूं ही चलता रहे।